हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्वेता। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है कि थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम। उनकी थॉर्नडाइक ने कौन कौन से नियम दिए थे, कौन कौन से लॉ बताए थे, उनके बारे में हम विस्तारपूर्वक डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थॉर्नडाइक के सीखने के जो मुख्य नियम थे वो तीन थे, तत्परता का नियम मतलब लॉ ऑफ रेडीनेस, अभ्यास का नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट। जो थॉर्नडाइक का पहला जो नियम है तत्परता का नियम मतलब लॉ ऑफ रेडीनेस, उसके अनुसार कि जब हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, तब उसे क्या होते हैं, आसानी से सीख लेते हैं। जैसे कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसे हल करने में क्या होता है, जो तत्परता हम दिखाते हैं, ठीक है, उसको ही इस नियम के अंतर्गत बताया गया है। जैसे यदि कोई बच्चा मैथ में है, मैथ के क्वेश्चन को हल नहीं कर पाता है, सॉल्व नहीं कर पाता है, तो उसमें क्या होती है, तत्परता की कमी है, क्योंकि वो उस चीज़ कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। और यदि उसका इंटरेस्ट उसमें होने लगता है तो उसका कार्य करने के लिए, उस चीज़ को करने के लिए वो क्या होता है, रेडी हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा गया है लॉ ऑफ रेडीनेस और तत्परता का नियम। तो इस नियम के अनुसार वही कार्य जब हम करते हैं जिसके लिए हम तत्पर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा अभ्यास का नियम मतलब लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो इस नियम का यह बताता है, तात्पर्य ये होता है कि मीनिंग ये होती है कि अभ्यास ही जो होता है कुशल हमें बनाता है, मतलब प्रैक्टिस जो होता है मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते हैं, हम रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, तो उसे हम क्या होता है, सरलतापूर्वक करना सीख जाते हैं और उसमें हम क्या होते हैं, कुशल हो जाते हैं। और हम बिना अगर अभ्यास की अगर कोई कार्य करते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं, हम उस कार्य को कर नहीं पाते हैं। और यदि सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते हैं तो हम उसे क्या होता है, भूल जाते हैं। और जो अभ्यास ही होता है वो क्या करता है कि वो सीखना जो होता है उसको अस्थाई बनाता है, परमानेंट करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अभ्यास का नियम, इस जो है कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, ठीक है। थर्ड है हमारा प्रभाव का नियम मतलब लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। इस नियम के अनुसार हम उस कार्य को ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं जिसका जो परिणाम होता है, जिसका जो रिजल्ट होता है, हमें क्या होता है, हमारे लिए हितकर होता है। और उस कार्य को करने से जिसे हमें सुख या संतोष मिलता है, उसी कार्य को हमारा हम करना चाहते हैं, ठीक है। और यदि जिस कार्य को करने में हमें परेशानी होती है, हमें कष्ट होता है, तो उस कार्य को हम दोबारा करना भी नहीं चाहते हैं। तो थॉर्नडाइक जो कहते हैं, वो कहते हैं कि जिस कार्य से संतोष होता है उसे उद्दीपन अनुक्रिया संबंध दृढ़ होता है, उसी को प्रभाव के नियम के अंतर्गत रखा गया है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये थे हमारे तीन महत्वपूर्ण थॉर्नडाइक के जो है अभ्यास और तत्परता और प्रभाव के नियम, जो थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन, आपको ये क्लास ठीक लगी होगी और आपके लिए ये होगा आगे आने वाले टीचिंग एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगा। और इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो होंगे थॉर्नडाइक के मुख्य, जो ये तो मुख्य नियम होंगे, और इसके बाद उनके जो गौड़ नियम हैं, पांच गौड़ नियम भी हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।